तासोनेलो, ये आज हम लोग का नए वर का घर जा रहे हैं हम लोग। ये देखो इतना सुंदर घर आज दिखने मिल रहा है। ये हमारा कॉलोनी बहुत सुंदर से रखा है। देखो वॉल भी इतना सुंदर है। कैसे है सर? ठीक है सर, एकदम। वो घर बहुत सुंदर लग रहा है। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर मैडम। आइए ना, आइए ना। और बैठो लोग, बच्चा लोग, बच्चा लोग तो छोटा छोटा है ना। ओके, जरूर जरूर। अरे कहां से, कहां से? ये हो गया सिटिंग रूम। मैडम कैसे है? हां ठीक है, ठीक है। आपका घर इतना सुंदर। थैंक यू, थैंक यू। घर दिखेगा? हां जरूर जरूर जरूर। चलिए चलिए, ये हो गया डाइनिंग ना। वाह इतना सुंदर है। ये हो गया टीवी ना। और ये किचन सर। ये दो तो गेस्ट रूम, गेस्ट रूम, ये गेस्ट रूम। और ये क्या है? ये किचन सर, दिखाइए ना। यहां पे दो तो गेस्ट रूम। और ये है किचन। ओह वाह ना सुंदर है। आज हम लोग को बुलाया है यहाँ हाउस वार्मिंग। ये क्या है मैडम? गेस्ट रूम ना। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके स्पेशल, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। चलिए अब दिखाइए। ये मार्बल है ना? ये मार्बल है। अच्छा है। नहीं नहीं हो जाएगा ना, हो जाएगा, क्लीन है, हो जाएगा। वाह इतना सुंदर है, देखा? फर्नीचर व्हाइट मार्बल। और ये मेरा ये बुराबुरी का कमरा। अच्छा, ये बुराबुरी का कमरा। बुराबुरी का कमरा स्पेशियस है ना। बुराबुरी का कमरा ये। और इसको टाइल्स भी वुड टच दिया है ना, ये व्हाइट ना, बहुत वुड टच। सीसीटीवी कैमरा और ऊपर में सामान रखने के लिए दिया है। अच्छा, हाँ। सुंदर से। और ये तो कपबोर्ड ना, कपबोर्ड से। और बाथरूम को अलग से यहाँ दिया है। ये देखो ये भी अच्छा दिया है। उधर में ड्रेसिंग है, ऐसे करके अच्छा लगा है, बहुत सुंदर है। खिड़की है देखो, लंबा लंबा खिड़की, अच्छा है। है, ये बच्चा लोग का रूम है। ये आपका बेटा? अरे मैं डॉक्टर जेगो हो रही। ये नया बार आप लोग का? चलो ठीक है, यहाँ एक्सटर्नल व्यू, यहाँ बाहर निकलेगा। ये कॉलोनी, हम लोग का कॉलोनी पूरा, वो ट्रेन स्टेशन यहाँ से देखिए, हमारा कॉलोनी है पूरा। अब गार्डन भी कर लिया ना जी मैं। और नीचे पूरा बागान किया है, गार्डनिंग, आलू और ये बंदा गोभी वगैरह क्या है, बढ़िया है। और यहाँ जाएगा तो ये तो थॉमस सर का ना, ये हमारा थॉमस सर का जगह है। इधर से देखिएगा तो इसका व्यू है, इतना बड़ा जगह है हम लोग का यहाँ कॉलोनी। ये रिवर व्यू कॉलोनी, ताराजुली वन बोलते हैं इसको ना। यहाँ से कनेक्टेड है, ये छोटा बच्चा, छोटा बेटा, छोटा बेटा का रूम अच्छा है। ये भी लेटरिन बाथरूम एटेस ना, सब एटेस। और यहाँ से ये एक्सटर्नल सीट आउट ना, बहुत मज़ा है। ये भी फ्लोर हम अच्छा लगा है, बहुत बढ़िया लगा इसका वुड टच। हाँ ऐसे बैठने के लिए ना, यहाँ बैठ के आराम से। तो यहाँ से नीचे देखिएगा, ये नीचे व्यू है। घर बनाने में कितना समय लगा? हाँ सर, ये बनाने में हमको 4 साल लगा है। 4 साल मैंने 3 ईयर्स कंप्लीट, 1 साल तो कोरोना के लिए रुक गया था। 3 साल लगा है, काफी साल लगा है। नया घर बनाने वाला लोग को आप क्या सजेशन देना चाहते हैं? तो हम लोग को ये सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर तो जल्दी मत बनाइए, धीरे धीरे बनाइए, अच्छा से बनाइए। तो जल्दी बनाने से क्या, तो क्रैक भी होता है, होगा तो पानी उनी अच्छा से डालना है। जल्दीबाजी में हर चीज खराब होता है। मेरा सजेशन ये है कि आराम से बनाइए, जल्दीबाजी मत कीजिए। कितना एज में, कितना साल में मतलब आदमी घर बनाना चाहिए? मतलब कोई कोई बोलता है लास्ट में बनाओ, कोई कोई बोलता है जल्दी बनाओ, आपका क्या ओपिनियन? सर मेरा ओपिनियन तो 30+ में बनने से और अच्छा लगता है। 30+ में बनाने का तभी तो बैठने मिलेगा। वाह वही तो, नहीं तो फिर 60 रिटायरमेंट का समय बनाएगा तो फिर कब बैठेगा, मजा नहीं होगा सर। इसलिए मैंने थोड़ा, और इतना जल्दी भी नहीं कि मतलब एकदम टीनेज में घर बन गया तो फिर
क्या होगा उस समय है ना, उसमें ज्यादा बर्डन हो जाता है, थोड़ा ये प्रॉब्लम होता है। इसलिए 35-30 के आसपास में उसमें घर स्टार्ट करना है। आपका मतलब राय है? मेरा राय वही है, तो अच्छा लगेगा बैठने के लिए। दो साल में खड़ा कर दिया, क्या होगा नीचे ऊपर, तो उसमें फाउंडेशन भी होता है, अच्छा नहीं होता है, क्वालिटी मेंटेन नहीं होता है। तो धीरे बनाओ, अच्छा से पानी अच्छे से डाल के बनाना है, तब टिक टाक होता है। आपका ये तो बहुत सिस्टमेटिक लग रहा है, हमको बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा। चलिए ये टेरेस, ये टेरेस ना, इसको भी ऐसा टाइल्स लगा दिया, ये बाहर का एक्सटर्नल टाइल्स ना, बहुत सुंदर है, स्पेशियस है। और ऊपर ये वो है टैंकी ना, ये जो सिंटेक्स डाल दिया है, और ये जो कपड़ा वपड़ा सुखाने के लिए इसे बनाया है, इसको हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है बाहर में। हाँ ऊपर कैसा सिस्टम किया है हम थोड़ा देखिएगा। हाँ सर, ऊपर का ये हो गया, दो सिंटेक्स लगाया है इसमें, कैसे कैसे सिस्टम सर? सिस्टम इसमें सर हम सेंसर लगाया है। ओके, जब पानी यहाँ तक कम होता है तो यहाँ तक, अच्छा तो अपना से ऑन होता है, अपना पानी आ जाता है, फिर पानी यहाँ तक आएगा तो फिर बंद हो जाता है। ओ, सेंसर लगाया सर। ओह, मतलब पानी यहाँ से आएगा तो अपने आप ऑन, अपना पानी कम होगा तो अपने अपना से कम हो जाएगा तो अपना से ऑन होता है। ओके, तो फिर आते 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 तब बढ़ती हो जाएगा तो अपने से ऑफ हो जाता है। ओह, सेंसर लगाया। अच्छा, वेरी गुड। तो मतलब इसको क्लीन कैसा करेगा, सफाई? क्लीन सर, इसको क्लीन तो बाद में इसको खोल के पानी माने कम होने के बाद क्लीन कर सकता है। अच्छा अच्छा, वो मतलब आपका तो मेन जो ये जो टैंकी तो नीचे में है, तो फिल्ट्रेशन भी नीचे होगा? मेरा सर फिल्टर नहीं है। फिल्टर नहीं है, यहाँ आयरन नहीं है? आयरन नहीं है सर। ओह अच्छा, है तो बढ़िया। आयरन नहीं है, वो तो शुद्ध पानी है मेरा। हमारा यहाँ तो वहाँ तो पूरा आयरन ही आयरन है सर, मेरा पानी तो मीठा है। चलो ठीक है, बढ़िया है तब तो। अच्छा है, फिल्टर नहीं है? नहीं, एकदम क्लीन है सर। लकी है आप, हम लोग सेम कॉलोनी होके भी, मेरा भी दो कुआ हमने एक खोद के देखा आयरन, फिर दूसरा में भी खोदा आयरन। तो इसमें इसमें कैसे है, ये भी दोनों एक ही है? दोनों एक ही है, इसमें ऐसा होता है एक बढ़ती सेम सेम ऐसी सेम मान पानी एक ही लेवल में आ जाता है। सेंसर मतलब सेंसर इसका अंदर में है ना? है ये, इसका अंदर में मेन यहां आता है, तो उधर में ऑन होगा, ऑफ ऑन ऑफ इधर ही होगा ना, नीचे में? नीचे में ऑलरेडी माने मेरा वो जो मोटर का हमेशा ऑन होता है, ऑफ नहीं होता। ऑफ नहीं होगा सर, जब भी पानी कम होगा तो खुद ऑन होता है, फिर ऑफ होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, अच्छा बनाया। अच्छा अच्छा, फ्लोर का व्यू देखिए, उधर तक देखते हैं, ये ट्रेन स्टेशन ऐसे करके, ये पूरा ऐसा करके है व्यू। व्यू भी बहुत सुंदर है, आसपास का घर भी बहुत सुंदर से बन रहा है, ये लोग भी बनने से बहुत सुंदर होगा और भी अच्छा होगा ये कॉलोनी। और ये लोकल किचन कोई बनाया है, ये भी हमारा नेबर है, पास्टर है हमारा यहाँ का। चलिए, ये बढ़िया से प्लांटेशन किया है, मोटर को यहाँ रखा, और बाकी ये इलायची ना, लीची, आम, और ये नॉर्मल गार्डन। किचन गार्डन तो बहुत ज़रूरी है ना सबके लिए, सुबह उठने के लिए। सुबह उठ के थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज भी होगा और सुंदर भी होगा, ग्रीनरीज सब प्लांटेशन किया हुआ है, देखिए सुंदर से। ये लोग बड़ा हो जाएगा तो सुंदर हो जाएगा और भी। चलो, ये थे आज का हमारे नेबर है ठाकुर साहब का घर, मिलते हैं, बाय।